एक व्यक्ति जो अभय विश्वकर्मा है और अपने आप को माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि बताता था, वो बड़े ही गैरकानूनी तरीके से और अजीब तरीके से पलंग पर कब्जा करके और मरीजों को भर्ती करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। शुरुआत में डॉक्टर आपको नजर आए होंगे, ये प्रभारी डॉक्टर थे उज्जैन के माधव नगर अस्पताल के। इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है मंत्री के प्रतिनिधि पर। बोला डॉक्टर ने अपने बयान में, डॉक्टर की बात कहते हुए सामने आए, डॉक्टर ने ये कहा कि माधव नगर अस्पताल में मंत्री के प्रतिनिधि का कब्जा है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, बेड भी मंत्री के प्रतिनिधि पसंद से मिलते हैं और गैरकानूनी तरीके से वो काम करते हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं डॉक्टर ने। मंत्री कौन मैं बता दूं, मोहन यादव, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। उज्जैन का ये मामला, माधव नगर अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर रहे संजीव चुमरावत ने ये गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप है पहले ये सुन लीजिए। मैं पिछले 1 महीने 20-25 दिन में माधव नगर कोविड केयर सेंटर का प्रभारी रहा हूँ मैं, और वहाँ काफ़ी अव्यवस्था के पश्चात मुझे प्रभार सौंपा था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि बेड की भर्ती के लिए वहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। किसी भर्ती करने के लिए कोई एक प्रणाली होती वो मौजूद नहीं थी। और एक व्यक्ति जो अभय विश्वकर्मा है और अपने आप को माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि बताता था, वो बड़े ही गैरकानूनी तरीके से और अजीब तरीके से पलंग पर कब्जा करके और मरीजों को भर्ती करता था। मैंने अपने हिसाब से अपने लेवल पे उस बात को अभय से भी शेयर किया, उसको भी समझाया, उसको भी बात की, और एक नई एक सिस्टम वहाँ पे मैंने बनाया, टोकन सिस्टम, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंस वाला टोकन सिस्टम बनाया ताकि वहाँ पारदर्शिता रहे भर्ती होने के लिए। और जो संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी मैंने इस बात की खबर की कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। उनने बिल्कुल मुझे सहयोग किया और उसका प्रतिबंधित भी लगाया उस समय, कुछ समय के लिए। और एक सिस्टम जो हमारा बना हुआ था उससे उसके द्वारा भर्ती करना लगभग लगभग असंभव हो गया था। तो एक बौखलाहट सी थी जरूर उसमें आ गई थी इस बात को लेकर। एक रूटीन रहता है जब कभी कोई किसी भी संस्था की अव्यवस्था बनती है, बनी हुई रहती है, जब कोई आदमी जाके व्यवस्था बनाता है, तो जो लोग भी जहाँ पे जिनका अव्यवस्थाओं में हित रहता है ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचता है, तो वो सब तरह की हरकतें करते हैं। पर फिलहाल मुझे इसकी कोई इस तरह की कोई धमकी नहीं मिली है। हाँ, मुझे व्यवस्था बनाने के लिए मुझे काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। सुना आपने, लेकिन जो मंत्री प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा है वो साफ कह रहे हैं कि बताने पर सबूत दे दूंगा और मैंने कभी भी टोकन व्यवस्था का विरोध नहीं किया था, अस्पताल में मैंने कभी भी इस तरीके से दखल नहीं दिया है। सुन लीजिए, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं पैसे लेकर बेड दे रहा था, भैया सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि मैं पैसे ले रहा होता, किसी व्यक्ति से पैसे लिया होता, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना, किसी ना किसी ने उस समय एक चीज़ वायरल तो की होती कि कलेक्टर साहब आते हैं, नोडल अधिकारी आते हैं, मरीजों के परिजन, तो उनसे मिलकर अपनी समस्या बताते, इस विषय में बताया होता, पहली बात। दूसरी बात, जो तत्कालीन प्रभारी महोदय थे वो तो अपनी दमगाई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पत्रकार महोदय के ऊपर भी तुरंत FIR करा दी थी और भी लोगों पे तुरंत FIR करा दी थी, तो उस समय मेरे ऊपर FIR करा देते, मेरे विषय में किसी न किसी अधिकारी को तो सूचित करते। जैसा उन्होंने एक चैट वायरल हो रही है उनकी, उसमें ये लिखा हुआ कि उसमें फाइनेंशियल पावर उनको नहीं है। भैया फाइनेंशियल पावर क्या हो सकता है, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ वहाँ पर। क्या करवा रहे, लोगों को इलाज की ज़रूरत है इलाज करवा रहे हैं, बेड की ज़रूरत है बेड करवा रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं, बेड खाली होते हैं। और इस विषय में मैं बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करता था कि आज हमने इतने बेड में मरीजों को स्थान दिलवाया। ये उनको खुद को लगना चाहिए कि बेड पर कोई कब्जा हो सकता है क्या, है ना। और रहा सवाल जो टोकन सिस्टम का कह रहा है, तो मैंने तो टोकन सिस्टम का बिल्कुल समर्थन किया था, समय आने पर उस चीज़ का मैं सबूत ही प्रस्तुत करूंगा कि मैंने वरिष्ठ अधिकारी को कहा था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब चूंकि मामला बढ़ गया, अब इस मामले के गरमाने के बाद मामला कलेक्टर तक पहुंचा, तो जिले के कलेक्टर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इन डॉक्टर का हो गया था ट्रांसफर, उज्जैन से चले गए नागदा, तो कलेक्टर कह रहे हैं कि नागदा में नया हॉस्पिटल खुला है इसलिए डॉक्टर को वहाँ ट्रांसफर किया गया है, और अगर मामले में कोई दोषी है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। सुन लीजिए, देखिए इस संबंध में मुझे भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में ये चीज़ आई थी, और हम लोगों के द्वारा जो नियम माधव नगर में बनाए गए हैं कि जो ट्रायज एरिया है जहां पर लोग आते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम होता है, उनको हम लोग ऑक्सीजन के साथ में वहां पर बैठा देते हैं जिससे कि उनकी जान बची रहे। अगर कोई बेड खाली होता है तो पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है, उसी के हिसाब से नियमानुसार ये चीज़ चली है। डॉक्टर कुमरावत ने ज़रूर कुछ इस प्रकार की चीज़ें बोली हैं, अगर कोई भी ऐसा वाकया सामने आता है, कोई भी शिकायत आती है, कोई भी केस मिलता है,
अगर पैसे लेने वाला तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। यहाँ तक अटेंडर को भी अंदर जाने को नहीं दिया जाता, लेकिन मंत्री के जो पीए रहते हैं या जो छोटे नेता रहते हैं वो अंदर आसानी से। देखिए, पिछले 5-6 दिनों पहले ही मैंने एक धारा 144 में आदेश निकाला है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कोविड वार्ड के अंदर, यहाँ तक अटेंडेंस के लिए भी हमने मना किया है, कुछ जगहों पर हमने सख्ती भी दिखाई है, किसी भी व्यक्ति का चाहे वो कोई भी हो, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है या वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में लगा हुआ नहीं है, उसका अंदर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR करेगा। कलेक्टर की बात आपने सुनी, कलेक्टर कह रहे हैं मामले में दोषी जांच कराई जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, मंत्री प्रतिनिधि अपनी बात कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन एक डॉक्टर का किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि पर, यानी कि मंत्री स्तर के जो है मंत्री उनके प्रतिनिधि पर इतना गंभीर आरोप लगाना, और इस दौर में जब अस्पताल में मारामारी है, मादा नगर अस्पताल पहली अवस्थाओं की वजह से चर्चा में लगातार रहा है, अब उसके बाद अगर मंत्री प्रतिनिधि का कब्जा है वाकई में, अगर डॉक्टर के आरोप सही हैं तो ये वाकई में सवाल उठेंगे, और अगर ये बात गलत हो तो ये भी उठेगी आखिरकार ऐसे डॉक्टर ने आरोप क्यों लगाया। आप देखते रहे,